हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स पॉइंट कनेरी। आज इस वीडियो में हम वर्ग और घन में क्या अंतर है और आयत और घनाभ में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले वर्ग और घन में क्या अंतर है, ये अंतर इन दोनों में बहुत अंतर है, ये बहुत अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो चलो इनके अंतर को समझे। सबसे पहले वर्ग होता क्या है, मतलब इसकी आकृति कैसी दिखती है, अपने रियल लाइफ में इसको कैसे दिखता है। जैसे एक कमरे की फर्श फर्श मतलब एक नीचे नीचे की जमीन या एक खेत जो ऐसी आकृति का हो जिसकी सारे कोने मतलब सारी जो भुजा है वो बराबर हो, जैसे लंबाई, जैसे ये मान लो कि एक सेंटीमीटर है, ये भी एक सेंटीमीटर, ये भी एक सेंटीमीटर, ये भी एक सेंटीमीटर, मतलब सारे एक होंगे। अगर एक सेंटीमीटर एक, अगर दो होंगे दो दो, पांच होंगे पांच पांच, जैसे मीटर होंगे मीटर मीटर में सारे। और इसमें भी इसमें अलग है प्रॉपर्टी, तो पहले इसकी बारे में समझिए। इसका मतलब आकृति खेत जैसी होगी, इसमें कोई मतलब दीवार दीवार नहीं होती, जैसे इसमें दीवार दीवार होती है, जैसे इसमें दीवार वगैरह भी आ जाती है घन में। तो जैसे इसका उदाहरण कमरा हो सकता है, या ऐसा खोखा जो सब तरफ से बराबर हो, जैसे वो पासे का जो पासा जो जिसमें छह अंक होते हैं वो सब तरफ से एक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं घन। अब इसमें चार कोने होते हैं, खाली एक दो तीन चार कोने होते हैं, इसमें 12 कोने होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सॉरी आठ, इसमें 8 कोने होते हैं, इसमें 4 कोने होते हैं, और इसमें चार लाइनें होती है, मतलब चार कोरे मतलब भुजा। तो इसमें चार भुजा होती है और इसमें 12 भुजा होती है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात के बाद अपना ये 8, 9, 10 और 11, और एक और इसमें छोटी सी कहीं पे ये वाली होगी शायद, ये वाली, ये 12 हो गई। तो इसमें 12 कोरे होती है, इसमें 4 ही कोरे होती है। तो और इसमें दोनों में समानता थोड़ी थोड़ी ये है कि इसमें सारी भुजा आपस में बराबर होती है, इसमें भी सारी भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में इसके, जैसे 3 है तो सारी 3 होगी इसमें, फिर 2 है तो सारी 2 होगी। और इसमें जैसे फलके होती है, फलके मतलब जो जैसे जैसे कमरा है, मान लो कि इसकी एक दीवार, इसकी जो दीवार है पूरी ये वाली, ये दीवार सामने वाली दीवार के बराबर, यही दीवार ऊपर वाली छत के बराबर, यही दीवार नीचे वाली जमीन के बराबर, मतलब सारी एक जैसी होती है, फेस सारे एक जैसे होते हैं इसमें। और इसमें इसमें तो कोई दीवार होती ही नहीं, खाली इसमें खेत है जैसे, और किताब है, जैसे किताब है, टेबल है, उसका क्षेत्रफल निकाल है, इसमें क्षेत्रफल निकलता है, इसमें आयतन निकलता है। और अब पढ़ते हैं आयत और घनाभ में क्या अंतर है। तो आयत में क्या होता है, सभी पढ़ जानते हैं, आयत में आमने सामने भुजा की लंबाई बराबर होती है, जैसे ये दोनों दो दो सेंटीमीटर है और ये एक एक सेंटीमीटर मान लो। तो आयत और घनाभ में अंतर है, ये भी सेम ऐसा दिखता है उसके जैसा, ये वर्ग जैसा दिखता है और ये घन घन जैसा दिखता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये भी खेत जैसा दिखता है, ये माचिस का डिब्बा हो सकता है या कमरा हो सकता है जिसमें आमने सामने एक भुजा बराबर है, जैसे ये दीवार सामने वाली दीवार के बराबर, लेकिन इस दीवार का उस दीवार से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इसमें वर्ग में क्या, घन में क्या होता है, सारी दीवार एक जैसी होती थी, सारी कोर एक जैसी होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो फेस है, जो दीवार है, जो फलके हैं वो आपस में बराबर होती है, इधर आमने सामने की आपस में बराबर, छत और जमीन आपस में बराबर, इस तरह से मतलब ये आपस में बराबर होती है। और इसमें इसमें तो इसमें आमने सामने भुजा समान होती है, जैसे इसमें खेत ले सकते हैं और टेबल ले सकते हैं, जो इस लंबाई की से यूं 2 सेंटीमीटर हो और यूं 1 सेंटीमीटर हो। इसमें कमरा ले सकते हैं जो आमने सामने फेस वाला, या माचिस का डिब्बा देखा ही होगा सामने, वो भी ऐसा थोड़ा लंबा टाइप रहता है, एक तरफ से ऊंचा कम रहता है, और इसमें आयतन निकलता है, इसमें क्षेत्रफल निकलता है, सेम है लगभग, इन दोनों जो अंतर है वही लगभग इन दोनों में अंतर है, बस इतना अंतर है ये वर्ग है, ये आया था, इसमें आमने सामने भुजा समान रहती है, इसमें सही भुजा समान रहती है, और इसमें सभी सब भुजा समान रहती है, इसमें आमने सामने की समान रहती है। इसकी आकृति का बेस्ट उदाहरण है माचिस का डिब्बा या कमरा। थैंक्स।